कृपया वीडियो सब्सक्राइब करते रहें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज देवप्रयाग के बारे में बताती हूँ। हरिद्वार से जाते हुए रास्ते में बहुत कोहरा मिला, क्योंकि ये नीचे का रास्ता है, इसलिए यहाँ पर अभी तो बहुत ठंड है हरिद्वार में। हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ से जाते हुए काफ़ी कोहरा है और ठंड भी काफ़ी पड़ रही है यहाँ पर। रास्ते में ये सूरज पड़ता हुआ, इतना बड़ा सूरज दिखाई देता है जैसे सूरज हमारे ही पास आ गया हो। पहाड़ों के ये रास्ते और दूर पहाड़ों पर पड़ती हो बर्फ़ और सूरज के सामने चमकती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इस समय क्योंकि सर्दी है तो इस समय पहाड़ सारे सूख जाते हैं, आधे सूखे आधे आधे के ऊपर पेड़ होते हैं, तो बहुत ही सुंदर। देवप्रयाग जाते हुए ये पहाड़ी रास्ते बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये अभी सर्दियों में सूखे सूखे पहाड़ और ऊँचे ऊँचे वृक्ष पहाड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे। घर बनाए हुए छोटे छोटे घर साइड में, छाँव का खेल, पहाड़ी एरिया, पहाड़ों यहाँ पर तो सूरज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था सामने से पड़ता हुआ और ये पहाड़ी रास्ते हैं बहुत ही सुंदर देख रहे आप जाते हुए। पहाड़ भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर पहाड़। देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी में मछलियाँ इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर जब वाटर चलाया तो वो और ऊपर को आ रही है और इतनी सब्जियाँ इतना तेज पानी में भी वो वहीं ऊपर रहती हैं। मछलियों का चलना अचंभित करता है कि कितने तेज पानी में वो वहीं पर टिकी होगी। Thank you.